नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। न्यूरोथेरेपी में हम बीमारी को कैसे ठीक करते हैं। हम न्यूरोथेरेपी में अलग अलग तरीके अपनाते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर प्रेशर देकर, यानी कि कहें निर्धारित सिक्वेंस के लिए प्रेशर देकर, 6 सेकेंड के लिए दबाव देकर, या कुछ पार्ट्स को हम घिसकर न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट करते हैं। न्यूरोथेरेपी मूल कारण को ठीक करती है, ना कि सिर्फ लक्षण को। अगर कोई भी दिक्कत हुई है, मानकर चलिए किसी को हेडेक हुआ है, तो हेडेक किस कारण से हुआ है? किसी को बीपी हाई है, उसके कारण से हेडेक हो सकता है। किसी को गैस बन रही है, उसके कारण से हेडेक हो सकता है। किसी का डाइजेशन ठीक नहीं है, उसके कारण से उसको हेडेक हो सकता है। तो किस कारण से बीमारी आई है, सबसे पहले हम कारण को ठीक करते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण। ये न्यूरोथेरेपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे पहले यूडीएफ को ठीक करके हम पेट को ठीक करते हैं। जैसे अगर किसी को यूडीएफ आता है, मोशन में अनपचा खाना आता है, तो सबसे पहले हम यूडीएफ के कारण को जानकर यूडीएफ की समस्या को ठीक करते हैं। जब हम यूडीएफ की समस्या को ठीक कर देते हैं, तो डाइजेशन अपने आप ही ठीक हो जाता है और पेशेंट को इमिजिएटली रिलीफ मिल जाता है। इस आधार पर हम कहते हैं कि यूडीएफ बहुत बड़े रोगों का कारण है और यूडीएफ को ठीक करना न्यूरोथेरेपी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक यूडीएफ की समस्या ठीक नहीं होगी, यूडीएफ जब आता है बॉडी के अंदर, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, हमारी बॉडी के बहुत सारे केमिकल नहीं बन रहे, प्रोटीन्स नहीं पच रहे, जिसके कारण से मोशन में यूडीएफ नजर आता है और ये बहुत बड़ी बीमारियों का एक कारण भी बनता है। इसलिए सबसे पहले यूडीएफ को ठीक करना है, तो डिजीज स्वतः ही ठीक हो जाने वाली होती है। उचित ट्रीटमेंट देकर एलएमएनटी के पेन पॉइंट्स को हम ठीक करते हैं, यानी कि हमारे पेट के अंदर बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं। जब हम न्यूरोथेरेपी में डायग्नोस करते हैं, तो उन पॉइंट्स को चेक करते हैं, जैसे पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, ऐसे पॉइंट्स दबाते हैं, और अगर हम पाते हैं कि इस पॉइंट में दर्द है, तो उस पेन पॉइंट्स के दर्द को हम उचित ट्रीटमेंट देकर निकालते हैं। जब वो पेन पॉइंट्स का दर्द हम ठीक कर देते हैं, तो डिजीज अपने आप क्योर हो जाती है। इसलिए पेन पॉइंट्स को ठीक करना न्यूरोथेरेपी की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है। क्लॉट्स को खोलने के लिए हम हैपरिन नाम का ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूरोथेरेपी में हैपरिन नाम का ट्रीटमेंट होता है। इसके दो कार्य होते हैं, एक तो जो क्लॉट्स बन गया उसको खोलता है, और भविष्य में क्लॉट्स ना बने ऐसा भी वो ट्रीटमेंट कार्य करता है। इसलिए अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो हम हैपरिन नाम का ट्रीटमेंट देकर क्लॉट्स को खोल देते हैं। आपने सुना होगा कि अगर किसी को ब्रेन में क्लॉट्स बन जाता है, तो वहाँ कोई दवाई काम नहीं करती, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं, जिसके कारण से बाहर की कोई भी वस्तु, बाहर की कोई भी चीज़ वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ कुछ ही चीज़ पहुँच पाती है, जैसे शरीर के बने हुए कुछ केमिकल्स, कुछ नशीले पदार्थ, एल्कोहल, नशे की दवाइयाँ, वही वहां पहुंच पाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी का हैपरिन नामक ट्रीटमेंट मेडिकल के हैपरिन ट्रीटमेंट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो एलोपैथिक में हैपरिन नाम का ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो क्लॉट्स को खोलने का कार्य करता है, लेकिन भविष्य में क्लॉट्स बने ऐसी कोई वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता। लेकिन हमारा जो हैपरिन ट्रीटमेंट है, वो जो क्लॉट्स बन गया है उसको भी खोलने का काम करता है, और भविष्य में क्लॉट्स ना बने उसको भी वो देखभाल करता है, ऐसी वो व्यवस्था करता है। जो ग्लैंड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी, जब हम न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट देते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर प्रेशर देकर, तो हम उस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि वो ग्लैंड जब स्टिमुलेट होती है, अपना फंक्शन ठीक प्रकार से करने लग जाती है। जो वो केमिकल ठीक प्रकार से नहीं बना पा रही है, या उस ग्लैंड को जितना केमिकल बनाना चाहिए था वो ठीक प्रकार से नहीं बना पा रही है, तो हम इस प्रकार से न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट करते हैं। और सभी डिजीज को हम विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, न्यूरोथेरेपी के द्वारा, प्रेशर थेरेपी के द्वारा, सभी बड़ी से बड़ी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। Thank you.